हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो सभी बच्चों का और सभी पेरेंट्स का इस चैनल पे स्वागत है ना। अभी बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मेरे से पूछ रहे हैं कि सर, जो अभी रिसेंटली कल ये सर्कुलर आया है जे एडवांस की साइट पे और ट्विटर पे भी हम देख रहे हैं कि अब हमें जे एडवांस का एक और अटेम्प्ट मिल रहा है। इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज हैं बच्चों की। बहुत सारे बच्चे तो खुश हो रहे हैं, ठीक है, और उनको आइडिया भी नहीं है कि किसको थर्ड अटैम्प्ट मिल रहा है, किसको थर्ड अटैम्प्ट नहीं मिल रहा है, ये एक एक्स्ट्रा अटैम्प्ट है या नहीं है ना। कैसे ये अनफेयर है ना। मैं आपको समझाता हूँ कि पूरा सर्कुलर क्या है और आप बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी वे में मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। और जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें तो मतलब इससे एक बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, हमारे लिए तो कुछ अच्छा नहीं हुआ इसमें, तो बेटा देखो, मैं पहले भी आपको सपोर्ट कर रहा था। आप सबने देखा मैंने जीए एडवांस पे बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, आप सब मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो, मेल करते हो, है ना। तो अभी भी जो भी मेरी साइड से सपोर्ट होगा मैं आपको करता रहूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ एक ही वीडियो बनाई है, आपने जितनी बार बोला है उतनी बार मैं आगे आया हूँ। और मतलब मैं तो कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूँ, ठीक है, बट जितना मेरे से हो सकता है मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये जेई एडवांस का थर्ड अटेम्प्ट का क्या पूरा सर्कुलर है, इसको आप ध्यान से सुन सकते हो, सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी जो सर्कुलर आया है, अभी जो हमारी डिमांड थी, है ना, जो हम ट्विटर पे कैंपेन कर रहे थे, वो ये थी कि जो बच्चे कोविड की सिचुएशंस की वजह से, है ना, विलेज में रहते हैं या फिर उनकी इतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं थी, या किसी को घर में कोविड हो गया, या उनको खुद को कोविड हो गया, या फिर कुछ भी ऐसे रीजंस की वजह से जेई एडवांस वो नहीं दे पाए, है ना, तो हम अटेम्प्ट एक मोर अटेम्प्ट की डिमांड कर रहे थे कि दो अटेम्प्ट तो हो चुके हैं, एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दो आप, थर्ड अटेम्प्ट जिसको हम बोल रहे थे, है ना, कि हमें एक थर्ड अटेम्प्ट मिल जाए और हम हमारा सपना जो है जेई एडवांस का, है ना, आईआईटी जाने का पूरा कर सकें। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको आईआईटी का मतलब एक ड्रीम होता है, बट वो इस कोरोना की वजह से, है ना, कोविड-19 की वजह से वो इनकी ये ड्रीम नहीं होती थी पूरी, है ना, आईआईटी का सपना पूरा नहीं हो रहा था उनको। भले ही एनआईटीज मिल जाएं, बट उनको आईआईटीज में जाने का एक उनका एक सपना है। तो उसी के लिए एक थर्ड अटेम्प्ट की इतनी सारी डिमांड चल रही थी ट्विटर पे और सब जगह। बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया इसका, बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे पेरेंट्स, टीचर्स, सबने बहुत सपोर्ट किया और उसी वजह से ये सर्कुलर आया भी। बट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ये बच्चों नहीं है, ध्यान से समझो इसको। तो अभी सर्कुलर क्या है कि अगर आपने जेई एडवांस, है ना, दो बार दे दिया है, 2020 में भी दे दिया और 2021 में भी दे दिया, है ना, तो अब जेई एडवांस 2022 में, 22 में आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो अगर आपने दो बार दे दिया है जेई एडवांस 2020 में भी और 2021 में भी, तो आप 2022 में, मतलब अब जो जेई एडवांस होगा इस साल, मतलब कल से नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा, उसमें आप एलिजिबल नहीं हो। हाँ, लेकिन अगर आपने 20 में जेई एडवांस दिया था, आपका क्लियर नहीं हुआ, मीन्स आपने क्वालिफाई किया, जेई एडवांस दिया, क्लियर नहीं हुआ, 21 में भी नहीं दिया, 22 में आप देना चाहते हो, आप एलिजिबल हो, 20 में दिया, 21 में नहीं दिया, 22 में देना चाहते हो, एलिजिबल हो, 20 में नहीं दिया, 21 में दिया, नहीं अच्छा हुआ, 22 में देना चाहते हो, एलिजिबल हो। मतलब वो सभी बच्चे जिन्होंने अभी तक जेई एडवांस दो बार नहीं दिया है वो सभी एलिजिबल हैं, चाहे उन्होंने 21 में दिया, 22 का, 21 का, 20 का स्किप किया, मतलब कभी भी उन्होंने 20 का दिया, 21 का नहीं दिया, तो 22 में एलिजिबल है और वाइस वर्सा, ठीक है, तुम समझ जाओ। बट अगर आपने दो बार ऑलरेडी जेई एडवांस का पेपर दे दिया है बच्चों, तब आप अब एलिजिबल नहीं हो, एज जो हमारा कल सर्कुलर आया ना जेई एडवांस की साइट पे, तो ये एक बहुत अनफेयर हो गया, है ना। हम क्या डिमांड कर रहे थे, आ क्या गया है। अब यहाँ पर बात आती है कि सर ये जो सर्कुलर आया है जेई एडवांस का, इसमें थर्ड अटेम्प्ट तो नहीं है, हमको समझ में आ गया, बट ये हमारे लिए अनफेयर कैसे है। बहुत सारे पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पा रहे, बहुत सारे बच्चे तो बड़े खुश हो रहे हैं, ठीक है, कि हमको थर्ड अटेम्प्ट मिल रहा है, बट बच्चों ये बहुत सारे बच्चों के साथ अनफेयर हो रहा है। और बच्चे बोल रहे हैं सर आवाज़ उठाओ, ट्विटर पे ट्वीट करो, तो बेटा मैं आपके साथ हूँ, जितना मेरी साइड से पॉसिबल होगा, जैसे मैंने पहले भी किया है अभी भी करूँगा, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि वो बच्चा जो बहुत मेहनत करके जेई मेन्स क्वालिफाई किया, ठीक है, और जेई एडवांस पहली बार में और दूसरी बार में क्लियर नहीं कर पाया, ठीक है, अब उसके क्योंकि दोनों जेई एडवांस के अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गए, तो वो अब थर्ड टाइम जेई एडवांस का पेपर नहीं दे सकता है। बट उसी के पैरेलल में अगर कोई दूसरा बच्चा है, ठीक है, जिसकी तैयारी ही नहीं थी उसका, या जेई मेन्स ही क्लियर नहीं हुआ,
या जेईई मेंस क्लियर तो हुआ बट उसकी तैयारी नहीं थी, वो डर रहा था है ना, क्योंकि उसकी इतनी प्रिपरेशन नहीं है, तो वो जेईई एडवांस देने ही नहीं गया है ना, तो उसका जेईई एडवांस का अटेम्प्ट काउंट ही नहीं हुआ, तो वो इस बार एलिजिबल है। अब तुम समझो कितना अनफेयर हो गया ये, ठीक है। तो वो बच्चा जो इतनी मेहनत कर रहा था, सपोज दो बच्चे, एक चंगू और मंगू, चंगू इतनी बहुत मेहनत कर रहा था, उसका मेंस क्लियर हुआ, उसने एडवांस दिया दो बार, ठीक है, उसका अच्छा नहीं हुआ, बट मंगू, मंगू की तैयारी ही नहीं थी, ठीक है, उसने जेईई एडवांस डर की वजह से नहीं दिया, तो क्योंकि उसका जेईई एडवांस का अटेम्प्ट अभी तक काउंट नहीं हुआ, एग्जॉस्ट नहीं हुआ, तो वो जेईई एडवांस दे सकता है। तो इसमें हमारे वो बच्चे बिल्कुल परेशान हो गए, बड़े आप ऐसे मैसेज भेज रहे हो बिल्कुल दिल को छू जाते हैं बेटा, जितना मेरी साइड से होगा मैं करूँगा आपके लिए, ठीक है, बट मेरे अकेले से शायद दोबारा से नहीं होगा, इसमें हम सबको फिर से दोबारा से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ट्विटर पे फिर से जाना पड़ेगा, ट्रेंडिंग पे फिर से जाना पड़ेगा और अपनी आवाज़ को उठाना पड़ेगा। तो वो बच्चे इसमें बड़े बड़े पीछे रह जाएंगे हमारे, जो जिन्होंने दो बार इतनी मेहनत की, ठीक है, और उनके दोनों जेईई एडवांस के अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गए, ठीक है। खैर अभी देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं आगे, है ना, फिर से ट्विटर पे जाएंगे, इसमें दोबारा से कुछ नहीं हो सकता, तो मुझे पता नहीं अभी दोबारा होगा या अभी नहीं होगा, मुझे तो पहले भी नहीं पता था, बट आई वॉज हेल्पिंग माई स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो भी एक एक बच्चा यहाँ पर इस चैनल पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, अपना सिर्फ एक ही है यहाँ से मेरी साइड से कि उसको जितनी ज़्यादा हेल्प हो सके, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके वो उसको सही टाइम से मिले। तो ये मैं पहले भी देता रहा हूँ, अब भी देता रहूँगा और मैं आपके साथ हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट।